आज हम देखने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कोवोलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन और कोवोलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में जो आज हमारा कंसेप्ट है वो है वी बी टी कंसेप्ट वी बी टी कंसेप्ट का फुल फॉर्म है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी तो आज हम समझेंगे कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स द कोवोलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बाय द ओवरलैपिंग और ये ओवरलैपिंग किन के बीच में होती है बिटवीन हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स तो ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है ओवरलेपिंग मीन्स शेयरिंग ऑफ सम रीजन बिटवीन ऑर्बिटल्स तो ऑर्बिटल अपने कुछ एरिया को शेयर करते हैं दिस इज कॉल्ड एस ओवरलैपिंग तो देर आर टू टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पहली ओवरलेपिंग होती है एक्सील और दूसरी होती है लेटरल तो so, हम आगे बढ़ते हैं सबसे सब पहली ओवरलेपिंग हम देखने वाले हैं एक्सीयल ओवरलैपिंग एक्सील ओवरलेपिंग मीन्स ओवरलेपिंग टेक्स प्लेस अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और जब भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग होगी सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ठीक तो जैसे फॉर द एग्जाम्पल एस और एस ऑर्बिटल अगर मिलते हैं तो इनसे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा अगर एस और पी मिलते हैं अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस तो दिस इज ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड और अगर पी और पी मिलते हैं अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस तो ये भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है दूसरी जो ओवरलैपिंग है दैट इज कॉल्ड एस एट्रल ओवरलैपिंग एंड लेटर ओवरलैपिंग मीन्स परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यानी यदि मैं इसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानता हूँ और दो पी ऑर्बिटल इस तरीके से आते हैं परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस तो इन दोनों की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे पाई बॉन्ड और इसका शेप हम इस तरीके से बना देते हैं ठीक है अब इस वी का मेन एप्लीकेशन क्या है कि जैसे फॉर द एग्जाम्पल ओ टू मोलिक्यूल दें तो ओ टू मोलिक्यूल में टू ऑक्सीजन्स आर बॉन्डेड विद डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड तो होगा सिग्मा और एक होगा पाई बॉन्ड ये कैसे देख सकते हैं ऑक्सीजन का कन्फ्यूगेशन ये है और जो इसका आउटर मोस्ट शेल है दिस आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एस वैलेंसी शेल तो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है वो वैलेंसी शेल पार्टिसिपेट करता है यानी कि यहाँ पर ये जो शेल है यही बॉन्डिंग के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो अगर मैं यहाँ पर ऑर्बिटल बनाता हूँ तो टू एस में दो इलेक्ट्रॉन है इसके बाद टू पी में फोर इलेक्ट्रॉन है अब जो पूरे भरे हुए ऑर्बिटल है वो यहाँ हमारे लिए काम के नहीं है ये काम का नहीं है ये दो ऑर्बिटल हमारे लिए काम के हैं क्योंकि ये हाफ फील्ड है ये हाफ फील्ड कौन कौन से हैं एक तो पी एक्स और एक पी वाई मैंने मान लिया ठीक है अगर मान लो मैं पी एक्स को ऐसे बनाता हूँ और पी वाई को परपेंडिकुलर बनाता हूँ यानी कि इधर मैंने एक्स एक्सिस माना हुआ है और इस डायरेक्शन में मैंने वाई एक्सिस माना हुआ है ठीक तो होगा ये कि जब दो ऑक्सीजन बॉन्डिंग के लिए आएंगे तो दोनों ऑक्सीजन का अगर ये मैं पी एक्स और पी एक्स मानूँ और इसको मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस मानता हूँ तो इन दोनों की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा जो है वो है ये पी वाई मैंने मान लिया तो पी वाई प्लस पी वाई जो है ये यहाँ आपस में जब ओवरलैपिंग करने आएंगे तो इनसे बॉन्ड बन जाएगा बॉन्ड यानी कि ओ टू में जो दो बॉन्ड बने हैं इनमें से एक होगा सिग्मा और एक होगा बॉन्ड